Hello students, I'm Amritpal Singh from Conation IELTS Academy. So today we are going to discuss three reading passages: The Pearl, the second one is Gesture, the third one is Grimm's Fairy Tales. I've solved these reading passages in detail. मैं बहुत डिटेल से इन्हें सॉल्व किया है. इट्स डिफिकल्ट वर्ड्स ही जड़े वोकैबुलरी वर्ड्स वो सारे दे सारे मार्क किए ने एंड प्लस इंपॉर्टेंट रीडिंग स्ट्रैटेजीज ने कि किस तरह आंसर्स नू लोकेट करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आयल्स, स्पेशली इन आयल्स रीडिंग, टाइम मैनेजमेंट. सो ए रीडिंग जी है द पर्ल, सेकेंड वन जेस्चर एंड द थर्ड रीडिंग पैसेज ग्रिम्स फेरी टेल्स, यदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के शेयर किया है. सो रीडिंग द PDF थानू साढ़े कोनेशन अकैडमी के वट्सएप पर भी मिल जाएगा, प्लस इतने डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा. जोड़े स्टूडेंट्स ने इनू पहला अटैम्प्ट नहीं किया, पहला अटैम्प्ट करके एंड फिर यह डिस्क्रिप्शन जी है पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन उन्होंने देख सकते हो. सो चलो डिस्कशन स्टार्ट करने. फर्स्ट रीडिंग पैसेज इज द पर्ल. सो द पर्ल दे विच की है कि पर्ल्स की हिस्टरी दिती है, किस तरह पर्ल्स फॉर्म होंदे ने. थ्री टाइप्स के मेन पर्ल्स होंदे ने, नैचुरल पर्ल्स, कल्चर्ड पर्ल्स एंड सिमुलेटेड पर्ल्स. सिमुलेटेड होंदे ने कॉपीड या इमिटेटेड, किसी चीज़ का रेप्लिका बनाना, किसी चीज़ की कॉपी बनाना. बी पैरा की सैकेंड लाइन के वर्ड है सिमुलेटेड. सो बेसिकली इन्होंने पहला हिस्टरी दी है कि पर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट सी. ए पैरा दे विच हिस्टरी दिती है सारी की सारी कि किस तरह एशियंट इजिप्शियन सी जेड़े वो पर्ल्स नू अलग अलग डिजीज़ लई भी यूज़ करते, पर्ल्स नू पर्शियंस भी यूज़ करते, एपीलेप्सी दे विच भी यूज़ किया जाता सी एंड एफ्रोडीजियाक भी इनू यूज़ किया जाता सी. एफ्रोडीजियाक और फिल्टर असी कहने हैं कोई भी सैक्चुअल स्टिमुलेंट, कोई भी चीज़ जी डिज़ायर्स नू सैक्चुअल स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ की जाती है, दैट इज़ एफ्रोडीजियाक. सो फिर बी पैरा दे विच थ्री टाइप्स के पर्ल्स ने, नैचुरल पर्ल्स, कल्चर्ड पर्ल्स एंड सिमुलेटेड पर्ल्स. सो कित्थे कित्थे नैचुरली फॉर्म होंदे ने, किहड़े सी एनिमल्स ने जां सी ऑर्गेनिजम्स ने जिथे है पर्ल्स मिलते हैं. ऑयस्टर्स, मसल्स, क्लैम्स, मोलस्कस, यह सारे के सारे इतने गिवन ने. सी पैरा दे विच इन्होंने प्रोसैस दिता है, जिस तरह कि फर्स्ट लाइन से ही क्लीयर है. सो प्रोसैस रिलेटिड सारे के सारे क्वेश्चन सानू सी पैरा दे विच मिलेंगे. नैक्सट डी पैरा दे विच अखी देखिए तो डी पैरा दे विच साइज़ का कंपैरिजन किया एंड प्लस लोकेशन गिवन ने कि कितने लार्जेस्ट साइज के पर्ल्स मिलते हैं एंड दैट लोकेशन इज ऑस्ट्रेलिया. इतने भी कुछ वर्ड्स है प्रीडिलेक्शन. प्रीडिलेक्शन मीनस लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को बहुत पसंद करना. दैन ई पैरा दे विच अगेन लोकेशनस नू ही डिस्कस किया है कि कल्चर्ड पर्ल्स क्यों ज़्यादा सिमुलेटेड पर्ल्स के नालों वैल्यूएबल होंदे ने बट नैचुरल पर्ल्स तो घट वैल्यूएबल होंदे ने. एंड जपैन दे विच ए मिलते हैं एकोया पर्ल्स, लस्ट्रस मीनस बहुत शाइनी होंदे ने ए वाले. एंड फिर एफ पैरा दे विच असी इहदा थोड़ा जिहा हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव लिया कि पर्शियन गुल्फ बहरीन कंट्री दे विच ए मिलते सी. सो ए सारे दे सारे डिटेल डिस्कशन तो बाद जी पैरा तक है एंड जी पैरा तो बाद असी क्वेश्चनस नू फॉलो थ्रू करते हैं. सो असी क्वेश्चनस देखांगे, नाल दी नाल मैं क्वेश्चनस दा डिफिकल्ट लैवल तुहानू दसी जावांगा एंड नाल दी नाल लोकेशनस दे विच जिहड़े डिफिकल्ट वर्ड्स ने, सिनोनिम्स ने, जिहड़ियां भी चीज़ां नहीं क्लीयर है उन्होंने भी असी डिस्कस करांगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पर्ल दा. सो राइट द करैक्ट लैटर ए टू जी. सो विच पैरा कंटेन्स द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन. फर्स्ट वन इज डिफिकल्टीज इन द कल्टीवेटिंग प्रोसैस. हुण असी प्रोसैस देखिया सी कि प्रोसैस गिवन है. सो असी इत्थे किहड़ा क्वेश्चन करना है, डिफिकल्टीज इन द कल्टीवेशन प्रोसैस, कि जदों पर्ल्स नू कल्टीवेट करते हैं. सो सी पैरा की स्टार्टिंग लाइन ही की सी, दैट रिगार्डलैस ऑफ द मैथड यूज टू अक्वायर अ पर्ल द प्रोसैस यूजली टेक्स सैवरल ईयरस. फिर नैक्सट लाइन च आ गया अप टू 3 ईयरस भी लग सकते हैं. फिर उन्हें अनदर 3 ईयरस कह दिता. फिर 50% ऑयस्टर्स ही सर्वाइव करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5% ही आ जिन्हों की क्वालिटी जी होंगी है वो वधिया होंगी है जेडे ज्यूलर्स यूज कर सकते हैं. सो दैट मीनस ये प्रोसैस काफ़ी डिफिकल्ट है. सो दैट इज़ वाई द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन विल बी सी. सैकेंड क्वेश्चन हूँ असी देखते हैं
सेकेंड क्वेश्चन इज causes affecting the size of natural pearls. So जरा size सी natural pearls दा मैं पहला दस्या किस कितने कीता सी ऐसी deep एरा च मिडल च देखो मैं सर्कल कीता है. Size किस चीज़ ते डिपेंड करता है has to do with the age of the oyster that created the pearl. हुण oyster दी गल हो रही है that means it is a natural pearl. So size of the natural pearls causes affecting the size of the natural pearl. That is our second question. So answer of second one will be D. First and second both are easy questions. And students main ek method use karanga. That method's name is MED method. MED. MED means M for moderate level questions. Jede ke sab to zyada hunde ne kise vi reading de vich almost 20 to 25 questions moderate level hunda hai. E stands for easy. So 5 to 7 questions will be very very easy and D stands for difficult. The most difficult questions which are there to waste your time. Jede bane hi is liye hai ki tuhanu distract kita ja sake and toda time jyada waste hove. So MED method means moderate, easy and difficult. The first dono hi questions jede si easy category I would say. Third question, let's see. So ancient customs around pearls. पर्ल्स नूं लैके पुराने किहड़े ट्रडिशन सी पुराने एशियंट किहड़े कस्टम्स सी. सो ट्रडिशनस एंड कस्टम्स कित्थे गिवन ने दोज ट्रडिशनस एंड कस्टम्स आर गिवन इन योर ए पैरा बिकॉज इत्थे ही उन्होंने गल की सी ना कि किस तरह एशियंट इजिप्शियंस जिहड़े सी इजिप्शियन लीडर्स सी वो पर्ल्स नूं इन्ना इंपॉर्टेंट समझते सी कि जब उन्हां दी डैथ हुंदी सी तां उन्हां दे नाल पर्ल्स नूं बरी किया जाता सी. So that means the location of this one is A para. Easy question. Fourth question is distinctions. So in fourth question, the key word is distinctions. Distinctions between cultured and natural pearls. In other words, differences ki ne. So differences kithe given ne? They are given in our B para. And B para de vich bilkul sanu koi distinction da synonym mil jayega. And ईजी सिनोनिम दिता है द डिफरेंस देखो मिडल दे विच बिटवीन नैचुरल पर्ल्स एंड कल्चर्ड पर्ल्स इज दैट द इरीटेंट इज अ सर्जिकली इम्पलांटेड बीड. सो डिफरेंस की है डिस्टिंक्शन. हुण ये डिफरेंस वाकई हैगा है द डिफरेंस किन्ने परसेंट है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज इतने असी ट्रू फॉल्स थोड़ा कर रहे हैं असी तो जस्ट आंसर द लोकेशन फाइंड आउट करनी है द करैक्ट पैसेज. So that is why our answer will be B. So first four, they were easy questions in this reading. Let's move to the next set of questions, which is a summary in which you have to choose the correct letter from A to K. Kaafi sare letters ditte ne and ode according asi as summary nu solve karna hai. So itthe obviously synonyms use honge bahut sare. So throughout the history, people in dash used pearls for medicines and filters. Filters synonym use kita aphrodisiac. Aphrodisiac jada main starting ch dassya si drug which is used as a sexual stimulant. Kise person di sexual power nu increase karan layi jada stimulant use hunda hai that is known as a filter or that is known as a aphrodisiac. So oh kede country ch hunde si? Those were done in which country? If you look at the first para, A para de vich dekho, utthe hi tuhanu eh answer mil jayega. They were done in Persia. So Persia da kehda option ditta hai ji? That is your J option. So answer will be J option. Alright, easy one. Not a very difficult question. Let's move to the next one, sixth one. So sixth one de vich examiner ne ki question kita hai hun sanu? That there are essentially three types of pearls. Mainly three types of pearls in natural, cultured, imitation. Natural and cultured pearls share a similar growing process, while imitation pearls are different. And Dash owns the reputation for its imitation pearl industry. Imitation ki da synonym hai? Simulation da. Copy karna. Kise nu replica banana. सो सब तो ज़्यादा रेप्लिकास कितने होंगे ने दैट वॉज इन स्पेन एंड स्पेन की एक स्पेशल जगह सी मेलोर्का. सो दैट इज गिवन इन आर विच पैरा. लैट्स कम बैक टू आर बी पैरा. बी पैरा दे विच असी देखते हैं
स्क्रीन वाल देखो, लास्ट लाइन, द आइलैंड ऑफ मेलोर्का इन स्पेन इज नोन फॉर इट्स इमिटेशन पर्ल इंडस्ट्रीज. अगेन अ वेरी इजी आंसर, टाइम सेविंग आंसर, इजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द सेवंथ वन. नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. द कंट्री डैश यूजली प्रोड्यूसेस द लार्जर साइज्ड पर्ल्स ड्यू टू फेवरेबल एनवायरमेंट. सो यह कंट्री तो असी बिल्कुल डीप एरा डायरैक्टली हनुमान तक याद हो जाना चाहिए कि कंट्री से जितने सब तो लार्जेस्ट पर्ल से, दैट वॉज ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने डीप एरा राइटर ने कंपेरिजन दिता है. एंड प्लस यह भी क्या है कि ऑस्ट्रेलिया टेंड्स टू प्रोड्यूस द लार्जर पर्ल्स. एंड लास्ट के विच एक वर्ड भी यूज किया है, कंपेरेटिवली, मीनस सारे के कंपेरिजन के विच सब तो वड्डे पर्ल्स कितने आ, ऑस्ट्रेलिया के विच. सो दिस इज ऑल्सो अ ईजी क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एट्थ क्वेश्चन. सो एट के विच की है, वाइल द नेशन ऑफ डैश मैनुफैक्चर सम ऑफ द मोस्ट ग्लिसनिंग कल्चरल पर्ल. इतने टाइपिंग मिसटेक है, ग्लिसनिंग वर्ड आना है, लिसनिंग नहीं है, ग्लिसनिंग है. ग्लिसनिंग होंगे शाइनिंग, एंड ग्लिसनिंग शाइनिंग का सिरेनम यूज किया लस्ट्रस. एंड लस्ट्रस केड़े कंट्री लिए यूज किया? लस्ट्रस वॉज यूज फॉर जपैन. जपैन के पर्ल्स जोड़े ने सब तो लस्ट्रस होंगे ने. एंड दिस इज गिवन इन आर ई पैरा. सो असी लोकेशन अगर मार्क की होंगी जपैन की कि कितने गिवन है, सो अकोया पर्ल्स फ्रॉम जपैन आर सम ऑफ द मोस्ट लस्ट्रस. लस्ट्रस ग्लिसनिंग द जी, लिसनिंग दे अगे सिर्फ जी आ जाना है. ग्लिसनिंग मीनस शाइनिंग. ग्लिस्टरिक पेस्ट भी आती है, टूथपेस्ट अगर किसी ने सुनिया हो, टीवी एड देखी हो. सो शाइनी, लस्ट्रस, ये सारे सिनोनिम्स ने. नेक्स्ट आफ्टर दैट नाइन्थ क्वेश्चन, लेट्स सी. So ninth one is that in the past the country of Dash and Persian Gulf. So Persian Gulf de vich ek easy hint de ditta ke Persian Gulf de vich country hai, and kedi country hai? Bahrain. And Bahrain da kithe given hai Persian Gulf? Very easy. Historically means in the past, and world's best pearls came from Persian Gulf, especially around what is now. What is now means that country's name is now known as Bahrain. So Bahrain, that is our ninth answer. Very easy, ninth one directly given. Let's see tenth one now. At present the major remaining suppliers, so at present, now we are in the present time, so major remaining supplier of pearl kithe hai ji? That is obviously India. So India's location is given in which para? Again in here, F para, middle. So nowadays the largest stock of natural pearls probably resides in India. So nowadays is a synonym of at present time. So this is not a very difficult question. All the blanks were easy to manage. Now after the blanks, let's move to the next part of questions, which are true, false and not given. So I marked true, false and not given as moderate, easy and difficult. The first two were moderate and easy, and third one was also moderate. So let's see. First one, a cultured pearls center is often significantly larger than in a natural pearl. So cultured pearl da jada center hai natural pearl to kafi vadda hunda hai. So center da koi synonym chahida hai sanu. सो सेंटर का सिनोनिम असी देखते हैं कितने मिलता है सानू. न्यूक्लीअस वर्ड याद आ रहा है, न्यूक्लीअस वर्ड यूज़ किया सी एग्जामिनर ने. एंड न्यूक्लीअस वर्ड कितने यूज़ किया है? दैट इज इन योर बी पैरा मिडल. सो देखो इतने उन्होंने कंपेरिजन किया है नैचुरल पर्ल्स का कल्चर्ड पर्ल्स का. एंड वट इज़ द एग्जामिनर सेइंग दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन नैचुरल पर्ल्स एंड कल्चर्ड पर्ल्स इज दैट द इरीटेंट इज सर्जिकली इम्पलांटेड बीट. सो जिहड़ा कल्चर्ड पर्ल है उहदे च जिहड़ी इरीटेंट है उहनूं सर्जिकली सर्जरी दे नाल प्लांट किया जाता है. और पीस ऑफ शैल कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल. ऑफन दी शैल्स आर ग्राउंड ऑस्टर शैल्स दैट आर वर्थ सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ मनी इन देयर ओन राइट एज इरीटेंट कैटलिस्ट फॉर क्वालिटी पर्ल्स. एंड द रिजल्टिंग कोर इज मच लार्जर दैन
इन अ नैचुरल वर्ल्ड। सो इतने सेंटर का की सिनोनिम यूज किया, न्यूक्लियस नहीं है, वो कितने होर जगह पर सी, इतने सिनोनिम यूज किया कोर। कोर की है सेंटर। सो दैट मीनस द आंसर विल बी ट्रू। सो लेट्स रीड द 12th क्वेश्चन नाउ। 12th क्वेश्चन इज इमिटेशन पर्ल्स आर यूजली द सेम प्राइस एज नेचुरल वन। इमिटेशन मीन्स सिमुलेटेड और कॉपीड पर्ल्स। सो सिमुलेटेड या कॉपीड पर्ल्स का भी जो प्राइस है नेचुरल पर्ल्स इन्ना ही होंगे। बट यह तो बिल्कुल बार बार रिपीट किया राइटर ने कि वो सेम प्राइस नहीं होंगे। इमिटेशन पर्ल्स बहुत हल्के होंगे, बहुत सस्ते होंगे। इन्हों का आंसर की है? द आंसर ऑफ दिस वन इज फॉल्स। नाउ लेट्स सर्च द लोकेशन ऑफ दिस वन। फर्स्ट पेज पर असं आने दोबारा वापस। सो वैल्यू बार बार डिस्कस की है एग्जामिनर ने, बी पैरा दे विच भी डिस्कस की है। सो देखो ए पैरा दे विच भी गिवन है, बी पैरा दे विच भी गिवन है, अलग अलग लोकेशन के उत्ते गिवन है। दैट इमिटेशन पर्ल्स दे आर नॉट वेरी वैल्यूएबल, दे आर क्वाइट चीप बिकॉज उन्हों का वेट भी घट होंदा एंड उन्होंने इन्नी ज़्यादा कोई क्वालिटी भी नहीं होंगी। सो सैकेंड पेज के उपर भी है रिपीटेड है बिकॉज साइज इज ऑलसो स्मॉलर एंड सैकेंड पेज सैकेंड पैरा देयर ऑलसो इट इज गिवन। सो ओनली टू टाइप्स ऑफ पर्ल्स दे आर वैल्यूएबल, दे आर द नैचुरल पर्ल्स एंड द कल्चर्ड पर्ल्स। सो आंसर ऑफ 12th वन विल बी फॉल्स बिकॉज द क्वेश्चन इज इमिटेशन पर्ल्स आर यूजली द सेम प्राइस एज नेचुरल वंस। नो, द मोस्ट प्राइसीएस्ट वंस दे आर नेचुरल पर्ल्स। सैकेंड प्राइस कि होंगे कल्चर्ड पर्ल्स का एंड थर्ड जो सब तो ज़्यादा सस्ते होंगे ने दोज आर द इमिटेशन पर्ल्स। एक स्पेसिफिक लाइन भी सी जी थोड़ी बी पैरा दियाँ लास्ट लाइन्स देखो। अ ग्लास बीड इज डिप्ड दिस कोटिंग इन थिन मेविंचुअली व्हील ऑफ वन कैन यूजली टेल एन इमिटेशन बाय बाइटिंग ऑन इट। इमिटेशन पर्ल इंडस्ट्री सब तो ज़्यादा कितने आ स्पेन दे विच। सो इन्हां दी जिहड़ी क्वालिटी है, इन्हां दी जिहड़ी वैल्यू है, वो बहुत घट है कंपैरेटिवली। सो लेट्स लुक एट द 13th क्वेश्चन। द 13th इज अ लिटल ट्रिकी है, पहले दोनों ईजी सी, 13th थोड़ा सा ट्रिकी है। That the size of pearls produced in Japan is, now the key word here is surely smaller than those from Australia. Japanese pearls the size pakka surely Australian pearls de naalon chota hunda hai. But as rule given hai ki Australian pearls the size larger hai, comparatively larger hai deep era de vich. But kithe vi direct comparison Australian pearls da and Japanese pearls da nahi given hai. नैक्सट पैरा दे विच जैपनीज पर्ल्स गिवन है कि बहुत लस्ट्रस होंगे ने, बहुत शाइनी होंगे ने, बट देर इज़ नो डायरैक्ट कंपैरिजन एंड बिकॉज ऑफ दैट द आंसर हेयर विल नॉट बी ट्रू और फॉल्स। आंसर विल बी नॉट गिवन। सो दैट इज वाई द 13th आंसर इज नॉट गिवन। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पैसेज नाउ। द सेकेंड पैसेज इज अबाउट gestures. Now what are gestures? कोई भी असं hand movements कर रहे हैं, like मैं हूँ तुम्हें explain करने लिए है hand movements कर रहे हैं, these are gestures. So this is about the concept of gestures, कि gestures की होंगे ने, gestures का की meaning है। बड़े वधिया words use किए ने इतने examiner ने, जो साडे writing ते speaking modules बहुत ही suitable words ने। like इतने word है unambiguous. Unambiguous means something that is very clear. एम्बिग्यूअस होंगे जी चीज़ कोई कन्फ्यूजिंग है। अनएम्बिग्यूअस मीनस टोटली 100% श्योर, सो दैट इज अनएम्बिग्यूअस। सो ए पैरा है, बी पैरा है, सी पैरा है, सारे के सारे वर्ड्स असी नाल दी नाल ही देखांगे। ओके, सो एंड जिस तरह इतने सिनोनिम है वेरियंट का डेविएशन, सो ईजी सिनोनिम्स ने, इन्हें कोई डिफिकल्ट सिनोनिम्स नहीं है। सो लैट्स गो थ्रू द क्वेश्चनस फर्स्ट। सो ये पहला सैट ऑफ क्वेश्चन से लिस्ट ऑफ हैडिंग्स, जेडे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़े टफ लगते हैं।
सो लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नू देखने हैं पहला 14 पैराग्राफ ए एंड पैराग्राफ ए का आंसर की है थर्ड पैराग्राफ ए का आंसर हम थर्ड क्यों है रीड द थर्ड द की फैक्टर्स ऑफ जेस्चर्स फैक्टर्स की होंगे ने किसी के करैक्टरिस्टिक्स किसी के फीचर्स सो जेस्चर्स के की फैक्टर्स ने सो देखो इतने की फैक्टर्स गिवन ने दैट टू बिकम अ जेस्चर एन एक्ट हैज टू बी सीन बाय समवन किसी ने देखा होना चाहिए किसी वालों किया होना चाहिए मैं ए बी सी डी मार्क किए आ फिर सी दे विच उन्हें की दिता है कि जेस्चर जिहड़ा वो क्लीयर होना चाहिए डी की है जेस्चर की है अनएमबीग्यूअस होना चाहिए मीनस कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीन वट दैट दीज आर द की फीचर्स ऑफ जेस्चर्स सो दैट इज़ वाई द आंसर इज थर्ड वन फॉर 14th 15th पैराग्राफ बीज आंसर इज 8th ऑप्शन लेट्स रीड द 8th ऑप्शन कंपेरिजन टू एवरी डे यूज ऑब्जेक्ट इतने सिंगुलर प्लूरल भी आएगा एक ऑब्जेक्ट की गल की है एंड एवरी डे यूज ऑब्जेक्ट है सो नाल ही सानू दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए सी कि एवरी डे यूज ऑब्जेक्ट कि एवरी डे यूज ऑब्जेक्ट है बी पैरा दे विच केड़ा गिवन है इफ यू रीड केयरफुली येस इट इज़ द टेलीफोन एंड एक ही ऑब्जेक्ट की गल की है सिंगुलर है प्लूरल नहीं है सो कंपेरिजन किया जेस्चर्स दैट दिस कैन बी कंपेयर्ड टू द रिंग ऑफ अ टेलीफोन सो 15th बहुत ईजी सी नहीं सी गलत होना चाहिए 16th वन पैराग्राफ सी 16th आंसर इज 5th वन सो हाउ अ वेल नोन जेस्चर loses its meaning किस तरह एक फेमस जेस्चर जो अलग अलग कंट्रीज़ के यूज होंगे है किस तरह जेस्चर का मीनिंग जोड़ा है वो गुम हो जाता है सो यह थोड़ा ट्रिकी सी सो देखते हैं किड़ा वेल नोन जेस्चर सी इतने सी दे 16th दे विच गिवन है सो इतने दो जेस्चर्स आई थिंक गिवन ने येस पहला जेस्चर सी अ शोल्डर श्रग सो उदे विच की है कि जिहड़े असीं इस तरह अपने उपर नीचे करते हैं अपने शोल्डरस नूं सो दैट इज़ अ शोल्डर श्रग बट दूसरा की है अनदर एग्जाम्पल इज दैट एन एंग्री परसन सो उदा मीनिंग किस तरह लूज हो रहा है कि वह अपने क्लिंच्ड फिस्ट की होंगी किस तरह मुट्ठी बंद करके जोर जोर दी गुस्से नाल कोई चीज़ नूं एम्फेसाइज करना फोर्सफुली करना बट नैक्सट लाइन नाउ रीड केयरफुली सरप्राइजिंगली यू मे फाइंड दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर विल डू द सेम वैन दे आर ऑफेंडेड बट वो कह रहा है कि किसी कल्चर च हुण जो किसी कोई बेइज्जती महसूस करता है एम्बैरस्ड महसूस करता है उदों भी यह जेस्चर कर सकता है अ कॉमनली एक्सैप्टड जेस्चर इज शेयर्ड बाय दैम बट इफ द वे द हैंड इज क्लैंच्ड चेंजेस किस तरह तुसी मुट्ठी नूं बंद करदे हो चेंज हो जाता है क्लैंच्ड फिस्ट हुंदी है बंद मुट्ठी और द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ फिस्ट वेव ऑल्टर्स के किन्नी जोर जोर दी तुसी अपने हाथ नूं अपनी मुट्ठी नूं हिला रहे हो उहदे नाल भी जेस्चर का मीनिंग चेंज हो जाता है मीनस जेस्चर उही है कि बंद मुट्ठी बट जोर जोर दी हिला रहे हो जां बिल्कुल प्यार दे नाल उहनूं हिला रहे हो मुट्ठी नूं उहदे नाल उहदा मीनिंग जिहड़ा है चेंज हो जाता है जिहड़ा जेस्चर है सो इहदा आंसर हुण की सी 5th वन 5th ऑप्शन एक वारी फिर रीड कर लो दैट हाउ अ वैल नोन जेस्चर लूजेज इट्स मीनिंग सो किस तरह का मीनिंग लूज हो गया जो असी फोर्स घटा दिती जो असी उहनूं मुट्ठी नूं बंद करन दा तरीका चेंज कर दिता इस तरह जेस्चर का मीनिंग चेंज हो गया वैल नोन जेस्चर का ऑल राइट सो यह 16th है थोड़ा जहा ट्रिकी सी मॉडरेट चेनू रखांगे 14th एंड 15th ईजी कैटेगरी दे विच सी डिफिकल्ट नहीं सी इन्हां तिन्नां दे विचों कोई भी 17th पैराग्राफ ई एंड पैराग्राफ ईज आंसर इज 10th इंडिविजुअल डेविएशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स इंडिविजुअल मीनस परसनल लैवल डेविएशन मीनस रस्ते तो कुछ हटके करना कुछ अलग करना आम लोगों तो सो इंडिविजुअल जरा एक परसनल कुछ डेविएंट हो रहा है कुछ अलग कर रहे हैं एंड दैट इज़ गिवन इन आर पैराग्राफ ई सो इंडिविजुअल डेविएशन मीनस असी कुछ परसनल लैवल पर लभ रहे हैं पैराग्राफ ई दे विच तो परसनल लैवल पर की है रीड द डेविएंट वर्ड का जो सिनोनिम है वेरिएंट हुण वेरिएंट इत्थे की दिता सी कि इंडिविजुअल लैवल पर जे एक परसन के टीथ बहुत शाइनी है तो ज़्यादा खिड़खिड़ा के हसदा है
ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਟੀਥ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਈਨੀ ਜਾਂ ਟੀਥ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਆਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਰ ਆਈਡੈਂਟੀ। ਇਟ ਵਾਜ ਰੈਫਰਡ ਐਜ ਜੈਸਚਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਿਚ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜੈਸਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ process in which speakers, internal and external factors and interactions could play a role in multimodal communication. So individuals de jede personal choices ne, deviations ne, variants ne, oh vi role play kar sakde ne. So eh thoda ja tricky si e. So 17th e da answer ki hai, hun sada option ek vari dobara read kar lo, that is individual deviation. So individual ki ho gaya jada teeth wali example ditti hai, that is individual. Deviation ki hai ki oh kinna khidkhida ke hasne ha, that is the deviation. So moderate level question. 18th paragraph f, and paragraph f's answer is second one, the example of regional differences. So example of regional differences kithe given hai ji, let's see. Paragraph F. So अलग अलग regions दिते हुए ने, so केड़े regions दिते ने? Malta दे विच की हुंदा है, then Tunisia दे विच की हुंदा है, Italy दे विच की हुंदा है? Very easy. Regions की हुंदे ने? Areas, countries, regional differences. So very easy. No need to look at it again. Time saving question. 19th paragraph G's answer is 9th one. That how will conflict be handled? So why I have marked the word conflict here? Because conflict da ithe zarur koi na koi synonym hoega sade kol. So let's see the last para, paragraph G. So paragraph G de vich conflict da si synonym lab rahe hain ji. Starting line de vich hi mil gaya. Confront. Confront ki hunda kise de against hona, conflict ki hunda kise de against hona. So conflict nu kis tarah handle karna, that is explained in this, that but what happens if the gesture of different countries confront each other. So keh raha hai ki jadon gestures alag alag countries de ik dusre de against jaange, conflict vich honge ja confront karnge, to utthe ki karna chahida hai? That the situation is further complicated by the fact that some gestures mean totally different things in different countries. So kuch countries jis tarah Saudi Arabia de vich same gesture da hor meaning hai, and this same gesture in other countries means disbelief. To dusre countries de vich ida meaning bilkul alag hai. To nu kis tarah karna hai, oh last de vich fir explain kita hai, that the only solution is to approach each culture with an open mind and learn their gestures as one would learn their vocabulary. Te har ek culture nu bilkul open mind de naal approach karo, te gestures nu us tarah hi learn karo jis tarah unna di nu tusi vocabulary nu learn karde ho. Means a language learn de karan de waang hi hai. So list of headings they were moderate level. Next question fir kuch students nu kafi tough lagda hai, that is MCQs. तो चलो सारे दे सारे ऑप्शंस देखने हैं. 20th अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच आस्पेक्ट ऑफ रिंगिंग ऑफ अ टेलीफोन इज कंपेयर्ड विद जेस्चर्स. चार आस्पेक्ट्स दिते ने, लेंथ ऑफ रिंगिंग, बट लेंथ ऑफ रिंगिंग तो एक सी ना, उन्होंने होर भी दिते सी नाल. बी ऑप्शन इज करैक्ट वन, बट इन्हों हले छड़ दिंदे आ. बट बी दे विच एक वर्ड यूज किया है, अनचेंजिंग साउंड ऑफ रिंगिंग, कि रिंगिंग दी साउंड चेंज नहीं हो रही. सी इज टेलीफोन रिंगिंग इंट्रूड्स अपॉन आर लाइफ. टेलीफोन की रिंगिंग के नाल जिहड़ी लाइफ है वो इंट्रूड हो रही है, लाइफ जिहड़ी है वो रुकावट आ रही है, बट इस तरह की कोई गल नहीं सी. डी इज स्पीड ऑफ रिंगिंग सिग्नल्स द अर्जेंसी, कि कितनी अर्जेंट है वो स्पीड वो शो कर रही है. सो चलो लोकेशन पर जाने असी. टेलीफोन वाला पैरा सी साडा, आई थिंक इट वॉज योर बी पैरा. सो इतने हम देखते हैं किहड़े वर्ड का सिनोनिम सानू मिलता है. This can be compared to the ring of a telephone, the speed, tone and intensity. So speed ek cheez si sirf, naal tone vi hai, intensity vi hai. So ek cheez nu assi answer nahi mark kar sakde, theek hai na? Sare de sariyan cheezan ikkathiyan chahidiyan si. So eh sariyan sariyan cheezan ki hai, they remain the same. And fir last te aake writer ne word use kita hai, unless the collar hangs up is the same. Same word is repeated
टू टाइम्स, व्हाट डज इट मीन? अनचेंजिंग। सो सिनोनिम मैच करके 20th एमसीक्यू नूं असीं ईजीली मार्क कर सकते सी। इत्थे इन्ना डिटेल दे विच इहनूं समझना जरूरत नहीं है कि क्यों है हो रही है साउंड किस तरह, बहुत कन्फ्यूजिंग है, समझ लग जाएगा, बट दैट इज़ नॉट आर गोल। आर गोल इज़ टू गैट अ गुड बैंड स्कोर। तो दैट इज़ वाई असी टाइम नहीं वेस्ट करांगे, बाद विच असी घर आके जिन्ना मर्जी उस टॉपिक के उपर गूगल पर यूट्यूब पर रिसर्च कर लिए। 21st इज विच ऑफ द डायग्राम्स विल शो द जेस्चर हैंड पर्स। अच्छा, डायग्राम्स इतने रीडिंग दे विच प्रिंटिंग मिसटेक सी, मैं तुम्हें वैसे दस दिना कि हैंड पर्स जेस्चर की होंगे कि तुम अपने इस तरह पाम नूं ओपन कर दिओ। सो हैंड इस तरह करो, सारे दी सारियां फिंगरस प्लस थम्स दी टिप्स नूं जदों तुसीं जॉइन कर दिओ, दिस इज़ अ हैंड पर्स जेस्चर। सो ए गिवन सी कि अलग अलग कंट्रीज़ दे विच इहदे अलग अलग मीनिंग है। 22nd, इन विच कंट्री शुड द जेस्चर हैंड पर्स बी यूज विद कॉशन। किहड़े कंट्री दे विच बहुत सतर्क हो के, सो कॉशन दा सानूं कोई सिनोनिम चाहिदा है। एंड वह केड़ा कंट्री सी? माल्टा। नो, माल्टा क्यों सी? बिकॉज ये सारे कंट्रीज डिस्कस सी इन सेकेंड लास्ट पैरा आई थिंक। सो इन विच कंट्री इट इज गिवन, जस्ट लेट मी फाइंड आउट द करेक्ट लोकेशन। हाँ, इट इज इन योर एफ पैरा। सो इन माल्टा इट मीन्स हैवी सार्केजम। सार्केजम की हुंदा है? किसी का मजाक बनाना, किसी का इनडायरैक्टली कोई गल कहना, लाइक किसी ने बहुत ही शाइनी, बहुत ही ज़्यादा अखा नूं चुभन वाले कपड़े पाए होन, तो तुसी कहंदे हो कि अज ते बहुत सोहना लग रहा तू, वट इज़ दैट? दैट इज़ सार्केजम। सो माल्टा दे विच वी इहनू जैस्चर नूं इस तरह यूज़ करदे आ, हैंड पर्स जैस्चर नूं, तो इस करके उन्होंने सार्केजम का सिनोनिम यूज़ किया है, दैट इज़ कॉशन। कि ध्यान दे नाल, सार्केजम मीनस के हिडन, मतलब कुछ होर हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड वर्ड फॉर स्पीकिंग ऑल्सो, सार्केजम। नैक्सट आफ्टर दैट 23rd to 25th, सो अगेन वी हैव ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। 23rd इज एंग्री पीपल आर ऑफन इन द सेम एज रेंज और ग्रुप। सो ए बच्चे कितने भी एंग्री पीपल की एज रेंज नहीं सी गिवन, ध्यान दे नाल देख लेना। आंसर इज नॉट गिवन, वेरी ईजी क्वेश्चन। सिर्फ उन्होंने यह मैनशन किया कि एंग्री पीपल का जोड़ा जैस्चर है वो अलग अलग हो सकता है, जोड़ा फिस्ट वाला सी कि फिस्ट बहुत तेज़ तेज़ फोर्सफुली मूव की जा सकती है, बट ए उन्होंने एज ग्रुप डिस्कस नहीं सी, सो आंसर विल बी नॉट गिवन। 24th इज पर्सनल फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स मे अफेक्ट द जैस्चर यूज। किस तरह दर्सनल फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की होंगे ने? फीचर्स। तो जिहड़ी केड़ी एग्जाम्पल इत्थे आ, बिना देखे तो ही मैनूं आंसर दसो। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टीथ, कि जिहदे दंद बहुत सोहणे आ वो खिड़खिड़ा के हसदा है, जिहदे दंद सोहणे नहीं है वो थोड़ा हमेशा शाय रह के हसदा है। सो फिर पर्सनल फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करते हैं जैस्चर नूं? बिल्कुल करते हैं। सो द आंसर इज़ ट्रू। सो 25th देख लें, अ जैस्चर्स वेरियंट कैन स्टिल बी अंडरस्टूड बाय द मैंबर्स ऑफ द सेम कल्चर। लेट्स गो थ्रू द लोकेशन अगेन। असी वेरियंट से जाना है, आंसर इज गिवन अबव वेरियंट। सो इत्थे वेरियंट की गल हो रही है, थर्ड लाइन देखो, रीड इट केयरफुली। एंड इफ अ परसन पोजेसेस अ बैड सेट ऑफ टीथ, ही और शी वुड टेंड टू हैव हिज और हर माउथ शट व्हेन बीइंग टीज्ड, एंड पीपल्स रिएक्शन टू द सेम जोक वेरीज, सम लाफ आउट लाउड व्हाइल अदर्स टिटर। However, this does not cause confusion and it helps to develop our behavioral. So, keh rahe ke ithe naal koi confusion nahi hundi, and which is important aspect of our identity, it was referred to as gesture variant. So, agar confusion nahi hundi, and which indicates that individual gesture production to a complex process in which speakers' internal and external factors and interactions could play a role. सो सारे से सारे वो रोल प्ले करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगी। सो दैट मीनस द आंसर ऑफ 25th विल बी ट्रू। सो 25th अगेन विल बी ट्रू। ऑल राइट, सो दैट लास्ट क्वेश्चन नाउ 26th, दैट अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द राइटर्स पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ द राइटर? सो दैट मीन्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द होल रीडिंग पैसेज। वन पैरा के अकॉर्डिंगली असं आंसर देवे।
ਸੋ ਓਰੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਸੋ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਯੂਜ ਆਫ ਕਿ ਜੈਸਚਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਰ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੈਦਰ ਜੈਸਚਰਸ ਯੂਜ ਅਫੈਕਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਜ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਐਂਡ ਡੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਜੈਸਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੈਸਚਰ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਜੈਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਜੈਸਚਰ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਬਾਏ ਦੈਟ ਇਟਸ ਨੋਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਆ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੋ ਅ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੈਨ ਬੀ ਆ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਅ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਯੂਅਰ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਓਕੇ ਸੋ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲੈਟਸ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਜੈਸਟੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਜੈਸਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਨੋਮਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸਟੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਜੈਸਟੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਥਰੂ ਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਸੇਜ 1 ਐਂਡ 2 ਕੁਛ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਥਰਡ ਵਰਡ ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਅਤੇ ਫਸਟ ਪੈਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਅਲਿਓਰ ਅਲਿਓਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਐਪੀਲੈਪਸੀ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਫਰੋਡੀਏਜ਼ੀਆਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਫਿਲਟਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਮੀਨਸ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਮੋਲਸਕਸ ਮਸਲਸ ਓਇਸਟਰਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਨੋਨਿਮ ਆਫ ਕਾਪੀ ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਗੁੱਡ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਯੂਅਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਨ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੀਡਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕਿੰਗ ਫੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਪ੍ਰੀਡਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੀਡਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਕਾਫੀ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀਡਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਸੋ ਲਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਈਨੀ ਲਸਟਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਲਿਸਨਿੰਗ ਓਕੇ ਸੋ ਦੀਸ ਟੂ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਹੇਅਰ ਆਲ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਅਨਐਮਬੀਗੂਅਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਅਨਐਮਬੀਗੂਅਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਮਬੀਗੂਅਸ ਮੀਨਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100% ਕਲੀਅਰ ਨੋਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਐਮਬੀਗੂਅਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੋਨਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਆਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਮ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮੀਨਸ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਕੋਐਕਸਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਹੈਕਸ ਕਰਨਾ ਕੋਹੈਕਸਟ ਆਲ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਫਨੋਮਨਾ ਫਨੋਮਨਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇਖ ਲਓ ਫਨੋਮਨਾ ਮੀਨਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਨੋਮਨਾ ਸਾਰਕੇਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਕੰਫਰੰਟ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣਾ ਸੋ ਆਲ ਰਾਈਟ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਮਸ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਮ ਥ੍ਰੀ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਗ੍ਰਿਮ ਜੈਕਬ ਐਂਡ ਵਿਲਹੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੀ ਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਸੋ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਫਸਟ ਪੈਰਾ 'ਚ ਹੀ ਦੋ ਵਰਡਸ ਨੇ ਰਸਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਲੋਗਰੀਸ ਐਲੋਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਇਮ ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲੋਗਰੀ
स्पैलिंग्स लर्न कर लेना, लिसनिंग यूज हो सकते हैं। सो एक वर्ड है डिप्लोर्ड, इतने टाइपिंग मिसटेक है, डिप्लोर होंगे हेट करना किसी को। सो वर्चुअस होंगे फुल ऑफ क्वालिटीज, लास्ट लाइन के वर्ड है वर्चुअस, वर्चुअस मीनस फुल ऑफ क्वालिटीज। ओके सॉफ्टनिंग मीन्स कि किसी ने बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो जाना, नरम दिल हो जाना, सॉफ्टनिंग किसी चीज़ का नरम हो जाना। सो नेम्स काफ़ी सी ये विच, सारे दे सारे जर्मन नेम्स सी, बट सानू नेम्स की प्रोनंसिएशन दे नाल कोई लेना देना नहीं है, असी जस्ट नेम्स की लोकेशंस नू इंपॉर्टेंट मार्क करांगे। ओके बूर्जवा, बूर्जवा मीनस इट्स अ जर्मन वर्ड, मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज बूर्जवा, सो विल नॉट यूज दिस वर्ड एनीवेयर। हाँ यह वर्ड इंपॉर्टेंट है उटोपियन लॉन्गिंग्स, उटोपियन मीनस कि परफेक्ट वर्ल्ड, जो दुनिया च कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल परफेक्ट दुनिया हो जाए, दैट इज उटोपियन, उटोपियन मीनस बिल्कुल परफेक्ट दुनिया। ओके यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, मिनेसोटा अमेरिका का सिटी है एक। सो फाइन लैट्स लुक एट द क्वेश्चन नाउ, एंड स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट गल, येस नो नो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती दे नाल टू फॉल्स मार्क करते हैं, आंसर गलत होएगा बिल्कुल होएगा, अगर तुम येस नो टू फॉल्स नो नो मार्क करोगे आंसर गलत होएगा। सो 27th द ग्रिम ब्रदर्स बिलीव दे वुड अचीव इंटरनेशनल फेम, उन्होंने लगता सी कि असी बहुत फेमस हो जाए, वो इस चीज़ को बिलीव करते सी असी बहुत फेमस होने वाले हाँ या बहुत फेमस हो जावांगे, बट वो तो यह चीज़ के बिलीव करते ही नहीं सी। अपना सैकेंड पैरा देखो, सैकेंड पैरा की फर्स्ट लाइन देखो, दैट सच लास्टिंग फेम वुड हैव शॉक्ड द हम्बल ग्रिम्स, वो तो बहुत ही निमाणे बहुत ही हम्बल सी, तो जो उन्होंने यहोजा फेम मिल जाता अपनी लाइफ के, उन्होंने शॉक हो जाना सी, तो फिर की वो बिलीव करते सी जो उन्होंने शॉक हो जाना सी, नो। सो द आंसर हेयर विल बी नो। ओके लैट्स रीड द नैक्सट क्वेश्चन, एंड इतने कितना वधिया एक ट्रेंड बन रहा, देखो 27 तो बाद नैक्सट आंसर सीरीयल ऑर्डर से आ रहे हैं, 28 फिर 29th फिर 30th, सो आंसर्स काफ़ी तीन चार आंसर्स कट्ठे सीरीयल ऑर्डर के मिल गए, हमेशा ये क्वेश्चन नो अटैम्प्ट करना ईजी हो जाता। 28th लैट्स सी द ग्रिम ब्रदर्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन सीक्रेट, सीक्रेट का तो कोई सरनम नहीं है, उन्होंने इन्ना जरूर किया है कि उन्होंने घर इन्ना वधिया नहीं सी, घर उन्होंने पुअर कंडीशन दे विच सी, बट की उन्होंने सीक्रेट दे विच काम करना पैंदा सी, इस तरह का कोई सरनाम नहीं गिवन है कि उन्होंने सीक्रेट दे विच काम करना पैंदा सी। सो 28th लेट्स सी दैट दे वर्क एट, दे बिगैन देयर वर्क एट अ टाइम वैन जर्मनी हैड बिन ओवररन बाय फ्रेंच अंडर नपोलियन, जो नपोलियन ने जर्मनी के उपर कब्जा किया होया सी, वो सप्रैस करना चाहते सी, मीनस दबाना चाहते सी उन्होंने कल्चर नू, एंड क्रैम्प्ड फ्लैट मीनस बहुत ही छोटे जे फ्लैट दे विच वो काम करते सी, बट सीक्रेट का कोई सरनम नहीं है, सीक्रेट का तो सरनम हो सकता सी क्लैंडेस्टाइन हो सकता सी, होर कोई सीक्रेट का सरनम हो सकता सी, बट वो नहीं आ, इस वजह करके साडा 20th का आंसर है नॉट गिवन। सो रीड द क्वेश्चन अगेन, 20th एक बार फिर देख लो, नॉट गिवन तो नो दे विच स्टूडेंट्स नू कन्फ्यूजन होंदी है, दैट दे वर फोर्स टू वर्क इन सीक्रेट, नो एहो जी कोई गल नहीं सी। So some parents today still think Grimm's fairy tales are not suitable for children. हाले भी कुछ parents still today is the keyword here कि आजकल भी वो समझते हैं कि वो suitable नहीं है, and answer of 29th is yes कि वो बिल्कुल हाले भी समझते हैं कि वो suitable नहीं है, and that is given in where see the location that even today means हाले भी protective parents से shy from the Grimm's tales, shy means कि वो तो दूर भजते हैं, वो तो बहुत वो हेट करते हैं बिकॉज ऑफ द रेपूटेशन फॉर वॉयलेंस, बिकॉज ग्रिम्स दी टेल्स दे विच बहुत ज़्यादा वॉयलेंस सी, सो इस करके उन्होंने टेल्स तो दूर दौड़ते हैं। सो ऑल राइट है ईजी सी क्वेश्चन, नैक्सट लैट सी 30th द एडिशन ऑफ ग्रिम्स फेरी टेल्स स्टोर्ड मोर वाइडली इन इंग्लैंड दैन इन जर्मनी, जो फस्ट एडिशन सी इंग्लैंड ज़्यादा सैल होया जर्मनी घट होया, यह मॉडरेट लैवल क्वेश्चन है, थोड़ा जहा ट्रिकी सी, सो 30th नूं ध्यान दे नाल देखना, द आंसर ऑफ 30th वन इज याद रखना नॉट गिवन, कि कित्थे वो ज़्यादा सेल होया, इत्थे वो कह रहे ने दैट इट सोल्ड मोर इन इंग्लैंड। सो लोकेशन ते चलदे हां असीं, फस्ट पेज
लास्ट पैरा। सो इतने उन्होंने पब्लिशिंग की गल की है ना, थर्ड लाइन देखो, लेट द इंग्लिश पब्लिशर्स लेट द वे इशूइंग हाई क्वालिटी पिक्चर बुक्स सच एज जैक एंड द बीनस्टॉक एंड हैंडसम फोल्डेड कलेक्शन ऑल टू सैटिस्फाई न्यू लिटरेट ऑडियंस। सो इंग्लैंड दे विच ज़्यादा होया, सारे यूरोप दे विच ही पब्लिशिंग नू बहुत सीरीयसली लिया जा रहा है, बट किते भी जर्मनी ते इंग्लैंड का कंपैरिजन नहीं किया। वर्चुअस हुंदा है फुल ऑफ क्वालिटीज, कंपैरिजन नहीं है। सो आंसर विल बी 30th आंसर विल बी नॉट गिवन। सो आई कन्फ्यूज नहीं होना नॉट गिवन एंड नो दे विच। 31st, लेट सी, अडल्ट्स लाइक रीडिंग ग्रिम्स फेरी टेल्स फॉर रीजनस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ चिल्ड्रन। अडल्ट्स जड़े ने चिल्ड्रन तो उन्होंने रीजनस बुक्स नू इन्हां नू रीड करन दे अलग ने। सो अडल्ट्स दे जिहड़े रीजनस ने ओह अलग क्यों ने? द आंसर इज येस। सो लेट्स सी द लोकेशन ऑफ दिस वन। लोकेशन असी एग्जैक्ट लोकेट करते हैं दैट येस। सो अकॉर्डिंग टू द ग्रेम्स द कलैक्शन सर्वड एज अ मैनुअल ऑफ मैनर्स। सो इतने इन्होंने बड़ा वधिया फ्रेज यूज किया है, वैगिंग लेसनस। सो फिंगर वैगिंग लैसनस जिहड़ियां चीज़ां अडल्ट, फिंगर वैगिंग मीनस इस तरह फिंगर नू वैग करना, बार बार हिलाना। पेरेंट्स जिहड़ियां चीज़ां इस तरह उंगल हिला हिला के बच्चों नू समझांदे आ मैनर्स, वह सारिया चीज़ां लैसनस के अजीब लोगों के नाल गल नहीं करनी, घर बिना पुछे बाहर नहीं जाना, हमेशा पेरेंट्स नू ओबे करना है, वो इतने डिटेल दे विच गिवन है। सो आंसर ऑफ 31st हेयर अगेन विल बी देन येस। सो लेट सी 32nd। So the Grimm brothers base the story Cinderella on the life of Dorothea Wiemann te base si, Dorothea Wiemann te base si odi life, but the answer is no, because odi life te thoda base si, unne te unnu character nu develop kita si. So ithe dekho Dorothea Wiemann a widow, jehdi ik widow si jehdi town de vich aandi si, innkeeper's daughter, स्टोरी सुनती रहती सी ट्रैवलर्स के कोलों, एंड वो ट्रेयर्स जोड़ा उसको कहानियां का ट्रेयर्स हैगा सी, एक कहानी कहती सी एशपॉन दैट इज सिंड्रेला। सो सिंड्रेला की कहानी वो खजाने हैगी सी, बट वो लाइफ से थोड़ा बेस से, वो तो एक विडो सी। सो सू थोड़ी जी जीके भी इतने काम आती है, सानू पता होना चाहिए कि सिंड्रेला विडो थोड़ा सी, सिंड्रेला एक यंग गर्ल सी, सिंड्रेला कि मूवीज़ बनिया ने। सो अगर उस जीके साढ़े कोल हुंदी दे आंसर नूं असीं ईजीली मार्क कर लेना सी। ऑल राइट, सो लैट सी द 33rd। सो इन पैराग्राफ 4th, वट चेंजेस हैपनड एट दैट टाइम इन यूरोप। डायरैक्टली 4th पैरा दे विच की चेंजेस होए आ? सो सब तो मेन चेंज की सी, ए आ लिटरेसी लैवल्स। बिल्कुल लिटरेसी लैवल्स करैक्ट आंसर है, बट बी ऑप्शन देख लो, डिवेलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो सिर्फ एक लाइन सी। सी इज स्कूल्स वर ओपन टू चिल्ड्रन। डी इज पीपल वर फॉन्ड ऑफ कोलैक्टिंग सुपर्ब, बहुत वधिया पिक्चर बुक्स लोग कलैक्ट करते। सो 4th पैरा के उपर असी जाने फिर एक बारी। सो मेन की होया, ऑल टू सैटिस्फाई अ न्यूली लिटरेट, लिटरेट मीनस एजुकेटेड ऑडियंस सीकिंग वर्चुअस मटीरियल फॉर द नर्सरी। वर्चुअस मीनस फुल ऑफ क्वालिटीज, नर्सरी मीनस यंग चिल्ड्रन। सो यह सारे का सारा रेवोल्यूशन क्यों हो रहा है? ताकि जोड़े लोग घट पढ़े ने जा बच्चों के वास्ते वो ज़्यादा वधिया लिटरेरी मटीरियल जोड़ा वो यूज़ कर सकन। सो दैट इज़ वाई द आंसर ऑफ दिस वन, दिस इज़ योर 33rd। सो लिटरेसी लैवल्स ऑफ द पॉपुलेशन इनक्रीज, लिटरेसी का की सर नाम है लिटरेट। सो लिटरेट और लिटरेसी लैवल्स इनक्रीज। वट चेंजेस डिड द ग्रिम ब्रदर्स मेक इन लेटर एडिशंस, हुण बाद विच उन्होंने की चेंजेस किए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है बट ईजी भी है। एक वर्ड असी रीड किया सी सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग मीनस लैस वॉयलेंट। इतने सॉफ्टनिंग का सिनोनिम यूज़ किया है सी ऑप्शन के, उन्होंने स्टोरीज़ में छोटा नहीं किया, उन्होंने ओरल लैंग्वेज नहीं यूज़ की, उन्होंने दूसरे रिलीजन्स नहीं, ना उन्होंने कहानियों के वॉयलेंस बहुत ज़्यादा सी एंड उन्होंने वॉयलेंस नू कट कर दिता, एंड उहदे लई वर्ड यूज़ किया सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग इज गिवन हियर, असीं लोकेशन पर देख रहे हैं 2nd पेज 1st लाइन। दे सैट अबाउट रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मीनस उन्होंने चेंज करनियाँ स्टार्ट कर दी अपनी स्टोरीज, एंड सॉफ्टनिंग देयर टेल्स, अपन कहानियों सॉफ्ट करना शुरू कर दिता। ओके, तो 34th MCQ काफ़ी ईजी सी। 35th, लेट्स सी,
So 35th is, what did Mary Hasselplug contribute to the Grimm's fairy tales? So Mary Hasselplug ne ki kita unne oral stories sunaiyan that were based on traditional Italian. So itthe sanu bahut vadhiya hint mil gaya, Italian stories. Sanu Italian word hor kise option ch nahi ditta, so inne sada answer bahut easy kar ditta. Let's go to the location. So Mary's wonderful stories blended motifs from kithon blend kar rahi si, oral tradition blend mix karna, फिर सारे का सारा एंड स्लीपिंग ब्यूटी है कहानी एंड मैनी ऑफ दीज हैड बीन अडेप्टेड. सो उन्हें कितों कॉपी कीतियां सी, फ्रॉम अर्लीयर इटैलियन फेरी टेल्स, इटैलियन फेरी टेल्स तो कॉपी कीतियां सी. उस इटैलियन वर्ड आ गया, सो दैट मीनस आर आंसर विल बी डी ऑप्शन इन दिस केस. ऑल राइट, लेट सी द स्टेटमेंट विद द करेक्ट पर्सन. 36 to 40th. सो हाइंस रॉलेक said that Grimm's tales are German because the tales. So Heinz Rollock की कह रहा है कि जो Grimm दी tales ने वो German ने. And German क्यों ने? क्यों वो सारियाँ tales German लग दी हैं? Answer is D option. D option की है, because they tell the simplicity of life in the German countryside. So Heinz Rollock कह रहा है कि बहुत ही simple life जड़ी Germany दी हैगी है, उन्होंने ये tales बहुत वधिया दिखांदियाँ ने. So let's go through the location of 36th. Heinz Rollock kithe keh reha hai? So Heinz Rollock is saying this in location of Heinz Rollock is second page last para. So scholar Heinz Rollock, love of the underdog, rustic means काफी पुरानी simplicity दिखाई है. Teutonic means, Teutonic कहते हैं जर्मनी की मिडल क्लास नू, उतों के मिडल क्लास नू, उतों दी है टेल्स ने. सो इन चीज़ों ने इन्हें कुछ वर्ड सी डिफिकल्ट, रस्टिक, टोटोनिक, इन्होंने क्वेश्चन नू थोड़ा जहा डिफिकल्ट बना दिता. कोर्स, कोर्स की हुंदा है रफ, कि कुछ भी उहदे विच स्मूथनैस नहीं सी, सीधा ही जिहड़ी गल सी वो ब्लंटली वो मूँह ते कह दिंदे सी, कोई भी गल नू सॉफ्टली नहीं सी कहिंदे. तो इस करके वो जर्मनी का असली कंट्री साइड कल्चर दिखाउंदा सी. Okay, so that is why the answer is 36th answer is D option. So all right, let's see 37th. Heinz Rollock said that the abandoned children in tales. Heinz Rollock की कह रहा है कि जड़े बच्चे छड़े गए सी, जड़े बच्चे abandon कर दिते गए सी, उन्होंने बारे की क्या है? Reflect what life was like. किस तरह की लाइफ सी? ए ऑप्शन. Reflect what life was like at that time. कि उस टाइम पर किस तरह की जिंदगी सी. सो इत वट लाइफ वॉज लाइक द की सिलनम है? ऑफन. दैट थ्रू आउट यूरोप चिल्ड्रन वर ऑफन नगलैक्टेड एंड अबेंडेंड. कह रहे कि उस टाइम तो यूरोप बड़ा कॉमन जहाँ एक गल सी बच्चों छड़ देना, अबेंडन कर देना, यह कोई स्पैशल गल नहीं सी. एंड लाइक एक फेरी टेल सी जी हैंसल एंड ग्रेटल की, हैंसल एंड ग्रेटल की फेरी टेल के भी उन्होंने दोवों छड़ देंगे ना, ब्रदर सिस्टर होंगे अगर तुम छोटे होंगे फेरी टेल सुनी हो. सो हैंसल एंड ग्रेटल की जी फेरी टेल के फिर वो जंगल के जाते हैं, किस तरह एक विच के नाल फाइट करते हैं, वो विच उन्होंने खाने की कोशिश करती है. सो बच्चों छड़ देना उस टाइम पर बहुत कॉमन सी. सो 37th आंसर इज ए. 38th is Bernhard Lohr said that writing style of Grimm brothers is universal. Universal means all encompassing. सारी दुनिया का ही है उन्होंने writing style. सिर्फ जर्मनी नहीं दिखाता, उन्होंने writing style सारा world दिखाता है. So 38th असी देखते हैं. 38th का आंसर की है? H option साढ़ा. So H option एक बार read कर लेते हैं. It avoids details about characters' social setting. हुण क्यों यूनिवर्सल है? बिकॉज वो करैक्टर्स दी सोशल सैटिंग्स नू दिखाते ही नहीं है, वो यह नहीं दिखाते कि किहड़े लोकेशन पर सी. सो सैकेंड लास्ट पैरा च आ जाओ, सैकेंड लास्ट पैरा दा देखो मिडल. सो बर्नहार्ड लॉयर पॉइंट्स टू द यूनिवर्सल स्टाइल, एंड वो यूनिवर्सल स्टाइल की है? बिकॉज यू हैव नो कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड. थोड़े को लैंड दी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, एंड प्लस और द क्लोज और द फॉरैसट और द कैसल्स किसी भी लोकेशन नू एक्सप्लेन नहीं किया. सो ए लैंड, फॉरैसट, कैसल्स, ए सारे के सारे की है? एच ऑप्शन दे विच गिवन है, सोशल सैटिंग्स. क्लीयर. 39th, जैक जाइट
said that the pursuit means happiness nu follow karna, in the tales means they, so jehda happiness nu constantly follow kar rahe ne, happiness da pichha kar rahe ne inna kahaniyan de vich, oh ki show karda hai, that means they encourage people to believe that they can do anything. And who is saying this? Jack Zipes is saying this, that log kuch bhi kar sakte hain. Fir second last para hi dekhne hain, Jack Zipes of the University of Minnesota, whose 1987 translation of the complete fairy tales captures the rustic vigor. Vigor hunda hai energy, oh energy nu capture karda hai. They show striving. Striving is a synonym of pursuit. Ke happiness da pichha karna, that none of us know, but that we sense in is possible. But ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੈਪੀਨੈਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵਿਦ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਟੇਲ ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਐਂਡ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਆਫ ਆਰ ਓਨ ਡੈਸਟਨੀਜ਼. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੈਪੀਨੈਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ the answer is E option, that they encourage people to believe that they can do anything. 40th. So Bruno Bettelheim said that the therapeutic means medicine value, medical value, kisi cheez di theek karan di jehdi samartha hai, kisi problem nu theek karna means therapeutic value. So inna kahaniyan de vich oh keh reha hai ki theek karan di vi therapeutic value hegi hai. This is a very good word, very important also. Listening students nu therapeutic de spellings nahi aa rahe hunde. It means that the fairy tales, so therapeutic value da ki matlab hai that they help children deal with their problems. So bachchan nu apniyan problems solve karan de vich vi help kardiyan ne. So last para, third line, that the tales, the great comforters. Comforters means jehdi cheez sanu bahut zyada relax kare. So comforter is a synonym of what? Therapeutic. So there is therapeutic value, and kyun? Because by confronting fears and phobias, bachchan de darran nu unna nu face karan cha help kardiyan ne. Symbolized by witches, jehdiyan witches, jadugarniyan, heartless stepmothers, hungry wolves, children find they can master their anxieties. Te bachchan nu lagda hai ki oh apni anxieties nu master karna means they can deal with their problems. So answer of 40th one is B. So that was the discussion of all 40 questions of this reading, students. The pearl, the second one is gestures, and third one is Grimm's fairy tales. I hope you understood all the questions. Please give your comments in the section below, and also subscribe and like our channel, because we'll be regularly sharing such discussions and detail of reading module. And I hope you enjoyed today's discussion. All your doubts were clear. I'm Amritpal Singh from Conation IELTS Academy, Amritsar. And if you have any doubts, you can call me personally also. My contact number is 83601-41977. Thank you. Hope all of you get good band score. Bye-bye.